हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को दबाया नहीं है तो दबा दीजिए नोटिफिकेशन। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन फ्राई। इसमें हमने एक बैगन लिया है जिसको राउंड शेप में काट लिया है, और हम लेंगे धनिया, नमक, ऑयल, दही, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। चलिए हम बनाते हैं। हम एक बाउल लेंगे, इसमें दही को डालेंगे, इसमें हम थोड़ा धनिया 1 टेबल स्पून, मिर्च आपको जितना तीखा चाहिए आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा सा हम अमचूर डालेंगे, आपको खट्टा भी जितना आपको लगता है आप अपने हिसाब से लीजिए। हल्दी थोड़ा, हम नमक लेंगे, इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून से। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, अगर तीखा कम लग रहा है आप तीखा कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए सबको। हम इसको ना इसमें डिप कर देंगे बैगन को। इस तरह से हम सारे इसमें डिप कर लेंगे। ये हमारा सारा पेस्ट लग गया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। हमारा गैस ऑन हो गया है, तवे को चढ़ा के हमारा तवा गरम करने के बाद हम इसमें चारों तरफ ऑयल लगा देंगे। इसके बाद ये एक एक पीस हम इसके ऊपर रख देंगे। हम गैस को स्लो ही रखेंगे, इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। इसके ऊपर जब तक हम धनिया डालेंगे, इन सब के ऊपर हम धनिया डाल देंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा थोड़ा, लाल मिर्च पाउडर, नमक थोड़ा, हमने दही में मिक्स किया था इसलिए हम थोड़ा सा ही लेंगे, और अमचूर पाउडर। इसको हम पीछे से सिकने देंगे, इसके बाद हम इसको पलटेंगे जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और इनको हम अब पलट देंगे, इससे ये पीछे भी अच्छे से सिक जाए। इसके पीछे भी हम थोड़ा थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको
इसको भी हम ऐसे ही धीमी आंच में सिकने देंगे। ये हमारे बैगन हो गए हैं, अब इनको हम सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। ये हमने बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लिया है। ये बहुत टेस्टी और चटपटे हैं।